मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में दी, और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है, और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है, जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है, और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल देकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है, युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं, और हम उस कदम को उठा के रहेंगे, मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है, देश
आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है, तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही है, तो इलेक्ट्रिक बसें मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया नैनो डीएपी उस पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है, तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच पुराने ढरे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, ये हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था, करीब 50-55,000 अमृत सरोवर की कल्पना की थी। लेकिन आज करीब करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनतक बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम दुनिया हमें जब पूछती है, 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। ये मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने, पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के, ये मोदी है समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है, ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हांफता है और न ही
ये भारत हारता है और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अनुमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है, निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।